Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is The Storm by Edmund Blunden from the book Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel for more informative videos. Now let's start with the introduction of the writer. Edmund Blunden was a poet, critic, scholar who served in military during war in France. पोइट भी हैं, क्रिटिक भी हैं, स्कॉलर भी हैं और इन्होंने मिलिट्री में सर्व भी किया हुआ है. और जो ये द स्टॉर्म है, ये ज़ाहरी बात है ये ख़ुद मिलिट्री में सर्व कर चुके हैं. सो दिस इज़ ए राइटिंग बाय एन ऑफिसर ऑफ अ मिलिट्री. दिस पीस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक अंडरटोन्स ऑफ वॉर. एडमंड ब्लंडन की ये बुक है अंडरटोन्स ऑफ वॉर, उसमें से ये थोड़ा सा पीस लिया गया है जो कि आज हम पढ़ेंगे. इट इज़ ए ट्रेजिक एपिसोड फॉर द ब्रिटिश आर्मी. ये राइटर की अपनी पर्सनल जो है राइटिंग है, जो उन्होंने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है. एक थोड़ा सा पीस उन्होंने बीच में दिया है इसमें, जो ब्रिटिश आर्मी की जो है ट्रेजिक एपिसोड है, यानी कि उनके साथ ट्रेजेडी हुई थी, उसके बारे में बताया है. ओवरऑल इट्स नॉट सच ए बिग ट्रेजेडी, बट राइटर ने इसको, राइटर का जो बहुत बुरा था उनका सारा हालात गुजरे और उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा गुजरा, जिसके ऊपर उन्होंने ये लिखा है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रेजिक एपिसोड फॉर ब्रिटिश आर्मी. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर. नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी. दिस पीस इज़ अबाउट राइटर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग वॉर टाइम्स. यहाँ पे जो ज़्यादातर मेन फोकस किया गया है वो सोम में जो बैटल हुआ था उसके बारे में है ये. और जो है इट हैज़ ऑल्सो सम ह्यूमरस एलिमेंट्स इन विट ऑल्सो, क्योंकि राइटर ने जो है इसे बहुत ही लाइट हार्टेड वे में प्रजेंट किया है जो कि उनके साथ इंसिडेंट्स पेश आए. सो इट इज़ ओवरऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इट स्टार्ट फ्राम दीज लाइन्स. Marching west from Bethune, we had nothing to trouble us except our packs and the general, who never exhibited his talent for being in all places at once more terrifically. These are the opening lines. So the piece is about the storm. The storm is a story of one of the battles at Somme. Writer us time young officer the, और उस टाइम उनकी जो बटालियन थी वो बैटलफील्ड की तरफ मार्च कर रही थी. उनको नहीं पता था कि अभी उनको ये नहीं बताया गया था कि वो अटैक अपना कहाँ पर लॉन्च करेंगे. अभी वो अपने सीनियर्स की ही सुपरविजन में बस मार्च कर रहे थे. देर वॉज नथिंग मच सीरियस थ्रू आउट द मार्च एक्सेप्ट दैट कि उनके जो बैकपैक्स थे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, यानी कि उन्होंने जो अपना साथ सामान लिया था वो बहुत हैवी था, विच वॉज ट्रबलिंग द राइटर. और ओकेजनली जो उनका जनरल था वो बहुत ज़्यादा उनके साथ स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा था और बहुत सीवियर था. सो राइटर बताते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स, जिनको उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है सी एंड आर से, उनके साथ वो मार्च कर रहे थे, जबकि उनके जो सी एंड आर फ्रेंड्स थे उन्होंने कुछ भी कैरी नहीं किया हुआ था. राइटर के पास बैकपैक्स काफ़ी सारे थे. रास्ते में जो है वो जो रोड था वो और बैकपैक हैवी होने की वजह से उन्हें और मुश्किल लग रहा था. बट जो सीनरी थी ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, आसपास बहुत ही अच्छी होने लग रही थी. फिर बताते हैं वो कि उनकी जो बटालियन है इट वॉज बिलेटेड एट ओचल, यानी कि उनको जो ठहराया गया वो ओचल पे, उनको उनकी बटालियन को ठहराया गया, थोड़ा सा उन्होंने ब्रेक लिया. ये एक माइनिंग टाउन था. वहाँ पे राइटर ने जो है उस रात एक यंग फ्रेंच वुमेन के घर जो है शेल्टर लिया, उन्होंने वहाँ पे गुजारी. वो बहुत अच्छी वुमेन थी, हॉस्पिटेबल थी, कर्टियस थी, तो जो है वहाँ पे राइटर को एक रात ठहरने को मिल गया. फिर वहाँ से वो बटालियन जो है वो माउंटे ब्रिटेन जो है वहाँ पे एक गांव था उस तरफ चली, यानी कि अगली सुबह जो है आउचल से उनका माउंटे ब्रिटेन जो है डेस्टिनेशन थी. वेदर बताते हैं राइटर कि उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा मस्टी और डार्क हो चुका था और काफ़ी बारिश वाला भी फील हो रहा था कि बारिश होने वाली है. फिर रास्ते में वो बताते हैं कि उनकी अपनी प्रैक्टिस का जिक्र करते हैं कि उन लोगों को प्रैक्टिस करवाई गई अटैकिंग की, और जो है उनको बहुत लंबी चौड़ी प्रैक्टिस करवाएंगी कि कैसे एनिमी एरिया को कैप्चर करना है, अटैक करना है. ये जो है इस तरह की जगह पे उनको प्रैक्टिस कराई गई जो कि जो बैटल फील्ड है उसकी एग्जैक्ट कॉपी बनाई गई और वहाँ पे उनको प्रैक्टिस कराई गई. मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने जो है उनको बेयोनेट यूज़ करना सिखाई. ये एक वेपन होता है, एक राइफल होती है जिसके सिरे के आगे एक शार्प वेपन लगाया जाता है, सच एज नाइफ और सोर्ड, तो उन्होंने इसकी यूज़ करने की प्रैक्टिस की. फिर उसके बाद जो है यानी कि ये ओवरऑल जो माउंटे ब्रिटेन में उनका स्टे था वहाँ पे ओवरऑल ये सब हुआ, यानी कि उनकी प्रैक्टिस ही हुई.
बटालियन के जो हेडक्वार्टर्स थे वहाँ पर एक फ्रेंच सोल्जर था जिसके बाद जो कि डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस मीटिंग वगैरह हेल्ड किया करता था जिसमें अटैक किस तरह किया जाएगा वो सब डिस्कस किया जाता था, और उसने जो है एक टेबल क्लॉथ के पीछे मैप भी बनाया हुआ था कि जहाँ पर जाके अटैक किया जाएगा। एक शाम क्या हुआ कि राइटर ने कहते हैं कि उन हम लोगों ने एक स्पाई भी देखा विंडो में से लेकिन वो मिस हो गया हमसे। सो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि यानी कि जो उनकी एनिमीज थे उनका एक स्पाई था आया हुआ, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे दिस वॉज वर्थ नोटिसिंग थिंग इन द इंसिडेंट दैट हैपेंड टू द राइटर स्पेशली कि उन्होंने एक स्पाई को जो है पकड़ वो भाग गया उनसे, यानी कि उन्होंने स्पाई भी वहाँ देखा था। 3 days later उन्होंने जो है सफ़र किया ट्रेन से, उनको किया गया वहाँ पे एक जर्मन एरोप्लेन उनके सर पे से गुजर रहा था, उड़ रहे थे तो उनको जो है उसकी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा था जर्मन एरोप्लेन्स बिकॉज दे वर द एनिमी प्लेन्स। फिर जो है ये जर्नी जो है ये पार्ट ऑफ द जर्नी राइटर को अच्छा लगा क्योंकि उन्हें मार्च नहीं करना पड़ा, खुद चल के नहीं जाना पड़ा, उन्हें ट्रेन के जरिए ही ले जाया गया। लेकिन जो है उन्हें बुरा ये लग रहा था कि सोम जो उनका मेन बैटल फील्ड है वो बहुत दूर था अभी तक और काफ़ी लंबा सफ़र हो गया। लीस्ट वे जाकर वो पहुँचे तो उन्होंने दोबारा से फुट पे आ गए, दोबारा से उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया और उन्हें मार्च करके जाना पड़ा। फिर जो चीज़ थी उन्हें बुरी लग रही थी कि जो है एक तो ये कि उन्हें ये लग रहा था कि शायद वो फ्रेंच पीपल के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी कंट्री के लिए नहीं लड़ रहे, तो इस वजह से उनका फेथ कमज़ोर रहा था। ऑल्सो उनका वॉर में इंटरेस्ट कम हो रहा था क्योंकि उन्हें था कि फ्रेंच पीपल के लिए लड़ रहे हैं। और दूसरा जो विलेजर्स का बिहेवियर था वो इस तरह से था कि विलेजर्स भी उनके लिए पेट्रियाटिक नहीं थे, ना ही उनसे सिंपथाइज़ कर रहे थे या उनके लिए उनको अपना हीरो मान रहे थे, बल्कि वो उनसे जो है ना पैसे लेने की कोशिश कर रहे थे किसी ना किसी बहाने। तो उन्हें बुरा लगा कि जिनके लिए हम फाइट कर रहे हैं और वो ही हमसे जो है अच्छा बिहेव नहीं कर रहे, तो उन राइटर जो है ही फाउंड इट समवर डिस्करेजिंग। जब वो सॉम पहुँचे तो वहाँ पर और भी ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब फील हुआ क्योंकि वहाँ पर पूरा इलाका खाली हो चुका था, बहुत बुरा हाल था, लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया था, इवैक्यूएटेड हो चुका था और पूरा मिलिट्री कंट्रोल के अंदर वो इलाका आ चुका था, और जो हाउसेस थे वहाँ पर वो या तो डिस्ट्रॉयड हो चुके थे या बहुत बुरे तरीके से डैमेज थे। तो वो जो सारा व्यू राइटर ने देखा एज अ यंग ऑफिसर ही फाउंड इट वेरी चिलिंग एंड क्वाइट थ्रिलिंग एंड ही डिडंट लाइक द व्यू। फिर राइटर बताते हैं दैट दे रीच्ड एन एम्प्टी विलेज विच वॉज इट्स नेम वॉज मेसनल, और वहाँ पे जो है बहुत बुरे हालात थे क्योंकि जर्मन शेल्स की वजह से उस विलेज की बहुत ज़्यादा बम्बार्डमेंट हो चुकी थी। फिर वहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेंच था, यानी कि नीचे जो ज़मीन के नीचे टनल्स वगैरह खोदी जाती हैं, वो मेसनल से लेकर जो कि हेमेल तक जाता था ये ट्रेंच, और जिसको राइटर ने जेकब्स लेटर का नाम दिया है। जेकब्स लेटर इज़ एक्चुअली इन ज्यूइश रिलीजन जिसको कनेक्शन माना जाता है बिटवीन हेवन एंड अर्थ, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा लंबा था ये सिग्निफाई करने के लिए यहाँ पे राइटर ने वर्ड यूज़ किया है जेकब्स लेटर, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेंच था। यहाँ से जो है जो दूसरी पोजिशन थी जो हेमल के पास एक रिवर था जहाँ पर जाके ट्रेंच एंड होता था, वहाँ पर साउथ साइड पे रिवर के एक बड़ा सा ग्राउंड था जो कि जर्मन पोजीशन थी जो कि असल में सोम था। तो ये जो प्लेस थी ये बहुत फ्राइटनिंग लगी राइटर को, और उनकी जो ड्यूटी थी राइटर की वो ये थी कि उन्होंने पोजीशन जाके वहाँ पर आइडेंटिफाई करनी है कि जहाँ पर एमिनेशन उनका असलहा वहाँ पर पहुँचाया जाए, यानी कि पहले से जो ब्रिटिश आर्मी है उनका असलहा पहुँचाया जाए वहाँ पर ताकि वो ऑक्यूपाई कर सकें, और वॉर के टाइम जो उन्हें एमिनेशन ज़रूरत होगी वो फ़ौरन से वहाँ से ले सकें, और जो साजो सामान चाहिए वॉर के लिए वो राइटर की ड्यूटी थी कि वो वहाँ पर जाकर पहले से जाकर पहुँचा दें। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर राइटर ने जाके एक राउंड लगाया और उसके बाद चेक किए हालात और वापस जो है वो उसी लेटर के ज़रिए जेकब्स लेटर के ज़रिए वापस मेसने ला गए। जो बटालियन थी अब जो है वो एक जगह जो मेली मेले जगह थी वहाँ पे बटालियन को क्वार्टर्ड किया गया था। यहाँ से जो ये एक बहुत ही रुइंड प्लेस थी, यहाँ से जो है स्टार्ट किया उन्होंने अपना काम हेमिल तक। फर्स्ट नाइट जो है जब राइटर की ड्यूटी लगाई गई थी फॉरवर्ड एमिनेशन को रखने की वहाँ पे स्टोर करने की, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बारिश हो गई जिसकी वजह से सारा एमिनेशन ख़राब हो गया और राइटर की जितनी भी मेहनत थी वो ज़ाया हो गई क्योंकि सारा गियर ख़राब हो चुका था। अब इसकी वजह से जो अटैक की डेट थी उसको पोस्टपोन कर दिया गया और वो सब लोग वापस चले गए।
लेकिन क्या हुआ कि जिस वक्त वो अटैक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसी वक्त अनएक्सपेक्टेडली उनके ऊपर अटैक किया गया और उनको जो है उनको गैस शेल्स उनके ऊपर बर्बाद की गई। वहाँ पे एक डॉक्टर जो है वो जख्मी हो गया। एट द सेम टाइम जो है उन्होंने को एक स्पाई भी मिला बट वो भी भाग गया। फिर दोबारा से पोस्टपोनमेंट हो गई अटैक की और जिसकी वजह से सोल्जर्स बहुत ज़्यादा डिस्पिरिटेड फील कर रहे थे। सितंबर 2 को जो है फिर वो असेंबल हुए हेमल में ट्रेंचेस में और जो है अगले मॉर्निंग उनको जो है असेंबल होना था। बट सडनली एक वाक्या हो गया, जब वो लोग उनमें से एक ट्रेंचेस में मौजूद थे तो अचानक से उनके पास गैस छोड़ दी गई बहुत हैवी अमाउंट में। राइटर लकी थे कि वो सर्वाइव कर गए लेकिन उनके साथ जो कुछ और लोग थे वो बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गए और उनको भेज दिया गया। फाइनली सितंबर 3 को जो है वो राइटर की आर्मी की तरफ से अटैक्स शुरू हुआ और जो है तब उस टाइम राइटर ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया हाउ वॉर हैपन्स और किस तरह टेरर्स ऑफ वॉर उनके सामने आए कि क्या होती है जंग। जर्मन्स के लिहाज से एक सरप्राइज था ये अटैक, बट इट वर द इंग्लिश सोल्जर्स जिनको जो है राइटर कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट और बहुत ज़्यादा खौफनाक सरप्राइज देखना पड़ा। उनको ऑर्डर दिया गया था कि उन्होंने जाके जर्मन ट्रेंचेस को कैप्चर करना है जो कि एनिमी की तरफ से खाली कर दिए गए हैं क्योंकि इंग्लिश जो आर्मी है उन्होंने वहाँ पर शेलिंग की है तो जर्मन तो वहाँ से खाली कर चुके हैं, तो इसलिए उन इंग्लिश आर्मी ने उनको फ़ौरन से जाकर उन ट्रेंचेस को कैप्चर करना है। लेकिन उन्हें नहीं था पता कि असल में उनके ऊपर एक ट्रिक प्ले की जा रही है, ये एक ट्रैप था क्योंकि जैसे ही वो वहाँ जर्मन ट्रेंचेस में एंटर हुए तो वहाँ पे उन्होंने उनको पकड़ लिया एनिमी ने और उनको बहुत सारे वहाँ पर मार दिए गए। फाइनली ऑर्डर्स फॉर रिट्रीट आए गए कि वापस भेजो सारी आर्मी। लकीली जो राइटर था वो अटैकिंग पार्टी में नहीं थे तो इसलिए वो मिलिट्री डिजास्टर सर्वाइव कर गए, अदरवाइज ही वुड हैव बीन ऑल्सो किल्ड बाय द जर्मन्स। इट वॉज लेटर दैट ही डिस्कवर्ड कि इस तरह का एक और अटैक भी हो चुका हुआ है और उसके यही सेम डिजास्टरस रिजल्ट्स आ चुके हैं। सो दिस वॉज The Personal Experience of Warfare by the Writer Edmund Blunden and इसके अंदर उन्होंने अपनी सारी पर्सनली जो उन्हें फील हुआ जो उनके साथ हुए हालात वो उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किए हैं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड गिव इट अ थम्स अप, प्लीज़ शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल।